नमस्ते व्यूवर्स, तो ये कपड़ा और अस्तर दोनों हैं और यहाँ से मैंने 8 इंच लिया है बोट नेक बना रही हूँ और यहाँ से 7.5 लिया, नीचे से 1 इंच कम करना है बोट नेक में और आर्म होल में 7.5 लिया है और यहाँ से 4.5 ले रही हूँ गले की चौड़ाई और यहाँ डीप 2.5 इंच ले रही हूँ। ये बैक साइड है आपका, जितना भी मेजरमेंट हो उतना ले लेना। और ये फ्यूज पेपर फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हम जितना भी सिलाई में दबाएंगे उतना एक्स्ट्रा कट करना है फ्यूज पेपर को। और ये हम कम ज़्यादा 1 इंच उससे कम ज़्यादा पट्टी कट कर सकते हैं और इसको हम कपड़े पे चिपका लेंगे। और एक फ्यूज पेपर और लेंगे बड़ा सा, ये 10 इंच का है और इधर से भी 10 इंच का है और इसके बीचों बीच निशान लगाना है, दोनों साइड से बीचों बीच निशान लगाना है इसमें। और यहाँ पे मैं ऐसे गोलाई दे रही हूँ, गोल बनाना है यहाँ से। ये 1.5 इंच का बनाया मैंने गोला, जो बीचों बीच निशान लगाया उसके साइड चारों ओर। और ये 4 इंच की लंबाई और ऐसे बीच से ये चौड़ा 1.5 इंच है और इसको यहाँ रखना है इसके टच करते हुए जो हमने गोल बनाया उसके। और फिर इसके फ्यूज पेपर के किनारे किनारे हम सिलाई वो निशान लगा लेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे दोनों साइड रखना है पहले और फिर यहाँ हम दो दो बनाएंगे इनके बीच में, तो यहाँ बराबर गैप छोड़ते हुए इनके बीच में हम दो ऐसे बना लेंगे। तो पहले रख के देख लेना कितना गैप आ रहा है बीच में, तो दोनों को बराबर गैप छोड़ते हुए हम ऐसे दोनों ये बना लेंगे। बराबर बनाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड भी हम दो और बना लेंगे, इनके भी बराबर गैप छोड़ते हुए हम बनाएंगे। इसमें 6 बने हैं और बाहर की साइड हम कम ज़्यादा ये पट्टी कट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आधा आधा इंच छोड़ रही हूँ और जो फ्यूज पेपर एक्स्ट्रा है कोने से उसको कट कर लेंगे। और अभी हमने जो ये बीच में पत्ती बनाई है इसको हम कट कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ कट करना है, आगे पीछे कट नहीं करना है। ये सारी ऐसे निकालेंगे और ये कपड़ा लेना है उस पर रख के और इसको हम चिपका लेंगे, आधा आधा इंच छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने अस्तर के कपड़े पे चिपकाया है और इसको भी हम यहाँ से आधा आधा इंच अंदर की साइड आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे हम गले को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसमें कट लगा के और इसको पलट के नीचे की तरफ कर देंगे और इस पर बड़ी सिलाई करके हम लगा लेंगे। अब बाद में निकालना चाहते हो निकाल लेना, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। इस पर लेस लगाएंगे हम और ये पार्ट लेना है ब्लाउज का बैक साइड का, इसके बीचों बीच हम निशान लगाएंगे फोल्ड करके। फिर इसको ऐसे खोल कर रखना है और ऐसे गले को ऊपर रखना है और पहले हम सीधा रख के और बीच में सिलाई लगा लेंगे तो आगे पीछे गला नहीं खिसकेगा। ये कट है उसी उसी में लगाना है, फ्यूज पेपर के ऊपर नहीं लगाना है सिलाई। और अभी हम फ्यूज पेपर के किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा लेंगे सारी जो डिज़ाइन बनी हुई है इसमें। फिर उठा के फुट को और आगे की तरफ आगे वाले में हम सिलाई लगा लेंगे। फ्यूज पेपर के ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं लगाना है। और अभी हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे, सारे ऐसे ही कट कर लेंगे और फिर इसमें कट लगा देंगे। धागा नहीं कटना चाहिए और अच्छे से कट लगाना ताकि हम पलट के इसको सीधा करें तो आसानी से सीधा हो जाए। और अभी हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे पूरे को।
फिर यहाँ से सभी के बीच में से कट कर लेंगे। इसको हम पलट के फिर नीचे की तरफ तुरपाई करेंगे लेंगे ऐसे पलट के, और नीचे की तरफ कर देना है। और बड़ी सिलाई करके आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो, आयरन भी कर सकते हो। और अभी हम यहाँ लेस लगाएंगे, पहले हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे। और अभी हम इस लेस का मुँह यहाँ रखेंगे, थोड़ा अंदर की साइड ही रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। और यहाँ रख के इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। और जहाँ कोना है वहाँ से अच्छे से लेस को मोड़ के लगाना है, अच्छे से पीछे की तरफ दबा के फिर लगाना है ताकि अच्छे से इसका शेप बने।